हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो सोप डिटर्जेंट्स तथा केमिकल्स इन फूड से संबंधित होगा। पार्ट टू में हम लोग मेडिसिन को कवर करेंगे। यह चैप्टर केवल बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, नीट जेई में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही जितने भी कॉम्पिटिशन की परीक्षा आप आगे दीजिएगा उसमें निश्चित रूप से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फूड प्रिजर्वेटिव। निम्न में से कौन फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है? तो खाद्य परिरक्षक के बारे में हम आपको बताए थे कि इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, क्लास ए कैटेगरी के खाद्य परिरक्षक और क्लास बी कैटेगरी के खाद्य परिरक्षक। क्लास ए कैटेगरी के जो खाद्य परिरक्षक होता है जनरली हम लोग घर में यूज करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपकी मम्मी मिर्चा का अचार बनाती है और कड़ुआ तेल में डुबो कर रख देती है, बरसों बरस तक रहता है, खराब नहीं होता है। देखे होंगे नींबू को छील दिया जाता है, उसके ऊपरी परत को रगड़ के छील दिया जाता है और नमक के घोल में डाल दिया जाता है, 2 साल तक नीमकी लोग खाता है, कभी खराब होते हुए देखे हैं। देखिएगा हलवाई क्या करता है, रसगुल्ला बना के चीनी के रस में डाल देता है, 5 दिन 6 दिन तक रसगुल्ला रहता है, खराब होता है। तो चीनी हुआ, नमक हुआ, मसाला हुआ, खाने वाला तेल हुआ, यह इसको क्लास ए कैटेगरी के फूड प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। और क्लास बी कैटेगरी के जो फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो फूड इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ केमिकल्स के नाम दिया बता पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन खाद्य परिरक्षक है। सोडियम बेंजोएट दिया है, इसका सूत्र सबको पता है, C6H5COL है, या बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण है। दूसरा दिया है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो सोडियम बेंजोएट एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य परिरक्षक है जिसका प्रयोग जनरली हम लोग एसिडिक फूड में करते हैं और सबसे उपयोग होने वाला खाद्य परिरक्षक है। देखिए जितने भी आयुर्वैदिक दवाएं हैं, चाहे बाबा रामदेव का भस्म हो, पुड़िया हो, ठीक है, या हमदर्द की दवाएं हो, सब दवाओं में ये मौजूद रहता है, उसको खराब होने से बचाता है। जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, चमन परास हलवा होता है, सब ये मौजूद होता है, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कार्य करता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य परिरक्षक है। पोटेशियम सॉर्बेट, सॉर्बिक एसिड बताया गया हुआ, सॉर्बिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण भी खाद्य परिरक्षक का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी में दिया है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन। आपको पता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन के बारे में एक चीज बता दें, और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ठीक है, इसके अलावा विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। जितने भी वसा युक्त या तेलीय भोज्य पदार्थ है उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया न हो उसको रोकने के लिए इस केमिकल का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसको एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर डी होना चाहिए, इसका स्क्रीन शॉट ले। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द प्रिजर्वेटिव एक्शन ऑफ Na2S2O5 इज फाउंड टू बी फॉर्मेशन ऑफ। किसके निर्माण करने के कारण Na2S2O5 में खाद्य परिरक्षण का गुण पाया जाता है, अर्थात सोडियम मेटाबाइसल्फाइड से क्या निकल जाता है, कौन ऐसा चीज निकल जाता है जो खाने वाले पदार्थों में उपस्थित बैक्टीरिया, फफूंदी आदि को मार देता है, उनको ठोक देता है एकदम कि खत्म हो जाए। तो इसको समझिए बेटा जी, आपको बताए हैं मैं कि यही सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2S2O5 सर्वप्रथम यह क्या होता है, टूट जाता है, बिखर के क्या देता है, यह सोडियम सल्फाइड देता है और SO2 गैस इससे निर्गत होता है। और यही SO2 गैस जो है खाद्य पदार्थों में उपस्थित नमी, और नमी का फॉर्मूला सबको पता है H2O, से संयोग करके H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण करता है जो बैक्टीरिया को, फफोदी आदि को मार देता है। क्या है? सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण करता है जो बैक्टीरिया आदि को मार देता है। तो यह SO2 ना निकलता तो इसमें प्रिजर्वेटिव एक्शन नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा? SO2। बाकी ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। कई बार यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, एक बार जेई में भी यह प्रश्न पूछा गया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, WF का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर एंटीऑक्सीडेंट फॉर बटर। मक्खन के लिए अच्छा ऑक्सीकरण रोधी है, मक्खन को लंबे समय तक
रखने के लिए, उनकी आयु को बढ़ाने के लिए किस एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताया गया होगा कि मक्खन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल नामक एंटीऑक्सीडेंट को मिला दिया जाता है, जो उसके आयु को महीनों वर्षों में वृद्धि कर देता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बीएससी, इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसी को गैलेक्सीन लिंडे 666 के नाम से जानते हैं। यह कीटाणुनाशक है, इसका फॉर्मूला C6H6Cl6 होता है, इसलिए इसको हम लोग 666 के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और इसके गामा आइसोमर में सबसे अधिक कीटाणुनाशक प्रवृत्ति पाई जाती है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है BTX, यह देखिए बी फॉर होता है बेंजीन, टी फॉर होता है टॉलविन, इसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं, टॉलविन है, और एक्स फॉर होता है जाइलिन, डाई मिथाइल बेंजीन को जाइलिन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए यहां दिया हुआ है हमारा सी ऑप्शन ब्यूटाइलेटेड, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल या मक्खन के लिए सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। और देखो ASA, इसका नाम आप मेडिसिन में पढ़े होंगे, इसी को कहते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, जिसको एस्प्रिन के नाम से जानते हैं, पेन किलर है, पेन किलर, एनाल्जेसिक आप पढ़े होंगे, दर्द निवारक दवा, तो हमारा ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। देखिए बाद में आपको बताऊं, इसके साथ जो भी एडिशनल ज्ञान आपको दिया जा रहा है दिमाग में बैठाते चलिएगा, ताकि इससे संबंधित कोई और भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका सही सही उत्तर दे दें। सफल होने के लिए जगह मायने नहीं रखता कि आप दिल्ली चले जाएं, आप कोटा चले जाएं, आप पटना चले जाएं, ठीक है, जगह मायने नहीं रखता है। सफल होने के लिए एक तूफानी जज्बा होना चाहिए, एक कुशल मार्गदर्शक होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो जीवन में यदि कुशल मार्गदर्शक, सफल मार्गदर्शक का चुनाव आप नहीं कर रहे हैं, कठिन मेहनत नहीं कर रहे हैं, और तीसरी बात कि यदि आपके अंदर तूफानी जज्बा नहीं हो, केवल ड्रीम देख रहे हो, केवल आपके पास ड्रीम हो, उसके लिए कोई प्लान नहीं हो, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें आप। नेक्स्ट है कि सोडियम बेंजोएट मेटाबोलाइट इनटू द फ्लोइन, तो आपको बताया गया कि सोडियम बेंजोएट जो एक खाद्य परिरक्षक है, यदि किसी भोज्य पदार्थों में उसको मिलाया गया हो, किसी दवा में, आयुर्वेदिक दवा में, किसी च्यवनप्राश में, किसी एसिडिक फूड में, और उसको आप ले रहे हो, तो ये आता है हमारे शरीर में या मेटाबोलाइज हो जाता है हिप यूरिक एसिड में और पेशाब के रास्ते निकल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यूरिक एसिड, हिप यूरिक एसिड आंसर होना चाहिए, और सैलिसाइलिक एसिड भी नहीं होगा। तो ये तो आपको याद है, तो आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। एक बार नीट में भी एक प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। WF का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई पोटेंसी स्वीटनर्स, कौन ऐसा कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, जो सबसे मीठा होता है। तो स्वीटनर्स के बारे में आपको बताया गया होगा, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सुक्रोज या चीनी के तुलना में कई गुना मीठा होता है, लेकिन यह कैलोरी नहीं देता है, यह शरीर में ऊर्जा नहीं देता है। आप देखेंगे कि आपके घर में कोई व्यक्ति पीड़ित हो मधुमेह रोगी से, तो आप जाते हैं दवा के दुकान पर, कहते हैं शुगर फ्री दो, शुगर फ्री, और शुगर फ्री डाल देते हो दुगो टैबलेट चाय में, दादाजी को मीठा लगता है, पापा जी को मीठा लगता है, लेकिन शरीर को यह एनर्जी प्रदान नहीं करता है। तो देखिए बहुत सारे हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पढ़े थे। अब देखिए एस्पार्टम, एस्पार्टम जो होता है 100 गुना मीठा होता है, 100 टाइम्स जो होता है यह चीनी के तुलना में मीठा होता है, याद रखिएगा। और यह सबसे सफल एवं व्यापारिक कृत्रिम मधुरक है। इससे संबंधित दो और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एस्पार्टम जो होता है वह कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, जब भी इसको पकाने वाले तापमान 90 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पर लाते हैं, यह टूट जाता है, बिखर जाता है, इसलिए इसका प्रयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों तक ही सीमित है। साथ ही एक और बात याद रखिएगा, जेनेटिकल डिजीज फिनाइल कीटोन यूरिया से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित हो तो उसे एस्पार्टम नहीं देने की सलाह दी जाती है, याद रखिएगा, यह कई बार पूछा गया है प्रश्न। देखिए एलिटेम, अभी तक जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उसमें सबसे अधिक मीठा होता है, लगभग यह 2000
टाइम्स जो होता है यह चीनी के तुलना में मीठा होता है। इसके साथ एक प्रबल समस्या पाई जाती है कि इसके मीठापन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो एनसीईआरटी का प्रश्न भी बनता है कि एली टीम के साथ कौन सी ऐसी प्रबल समस्या पाई जाती है तो इसके मीठापन को इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है। और अभी तक जितने भी स्वीटनर्स ज्ञात है उसमें सबसे मीठा होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। सेक्रीन से संबंधित बात, यह 550 गुना लगभग मीठा होता है। सेक्रीन लगभग जल में अघुलनशील होता है, लेकिन इसके सोडियम और पोटेशियम साल्ट ही घुलते हैं जो मार्केट में बिकता है। और सुक्रालोज लगभग 600 गुना मीठा होता है, याद रखिएगा। ये भैलू भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हाउ मेनी टाइम्स सेक्रीन इज स्वीटर देन सुक्रोज, कह रहा है कि चीनी के तुलना में, सॉरी सैक्रीन चीनी के तुलना में कितना गुना मीठा होता है। तो आपको ऑप्शन याद है तो आप टिक लगा सकते हैं 550 गुना। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, यदि थ्योरी क्लियर तो प्रश्न बनेगा, ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, स्वीटनेस एस्पार्टेम यूजेज इज लिमिटेड टू द कोल्ड फूड और ड्रिंक्स, व्हाट इज इट्स रीजन, वही प्रश्न अभी जो हम बता रहे थे पूछ दिया कि एस्पार्टेम का प्रयोग ठंडे खाद्य पेय पदार्थों तक सीमित है, इसका कारण क्या है। तभी पता है कि अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, तो पहला ऑप्शन दिया अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, हमारा यही आंसर सही होगा। वेरी स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर गलत है। कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस इज डिफिकल्ट, यह तो एलिटेम के लिए लागू होगा। नन ऑफ दीज भी सही नहीं है, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, इसका भी स्क्रीन शॉट लें। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि विच अल्कोहल इज ऑब्टेंड इन द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टिफिकेशन, साबुनीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल है। एक बार एनडीए की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल बहुत आसान। साबुनीकरण क्या है आपको पता है, वसा या तेल को छार के साथ मिला करके गर्म किया जाता है, साबुन बन जाता है, इसी को साबुनीकरण कहते हैं। और साबुन परपराता क्यों है, तो फैटी एसिड के कारण। ये सब चीज आपको हम बता चुके हैं पहले कि साबुन, भाई साबुन लाल होता है तो उसका गाज उजला क्यों होता है, साबुन की तमाम प्रॉपर्टी, साबुन के डिसएडवांटेज, डिटर्जेंट के बारे में तमाम चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए कौन सा अल्कोहल बनेगा, तो इसको हम हल करके भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए फैट या वसा कोई ले लेते हैं हम, यहाँ देखो CH2O सी डबल बॉन्ड C17H35, एक वसा हम या तेल ले रहे हैं CHO सी डबल बॉन्ड O C17H35 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यह हमारा फैट या आयल है। जितने अच्छे किस्म का तेल या हम वसा लेंगे उतने ही अच्छे किस्म का साबुन बनेगा, और इसको छार के जलीय विलयन के साथ हमको गर्म करना है। क्या करना है बेटा जी, गर्म करना है। इसको हम 3 मोल ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर रहे हैं। देख बेटा जी, अब देखो क्या होता है, यह 3 OH ले लो, 3 OH, और देखो यहां इस पार्ट को आप ले लो, देखो क्या बच रहा है। यहां एक OH को जोड़ दो, यहां एक OH को जोड़ दो, और यहां एक OH को जोड़ दो। अब देखो जो बच गया उसको लिख रहे हैं यहां पे, यहां ध्यान देना, देखो क्या बचा, C17H35 सी डबल बॉन्ड O, और NA वाले पार्ट को यहां जोड़ दो। यहां देखो कितना मोल बना, 3 मोल। इसी को कहते हैं सोडियम एस्टीरेट, सोडियम एस्टीरेट, यह साबुन बन गया, सोप बन गया बेटा जी। और देखो यहां क्या बन रहा है, CH2 यहां OH जोड़ दिया, यहां देखो CH है, यहां देखो OH है, यहां देखो CH2 है, यहां देखो OH है, बात आप समझ चुके होंगे। इसको ऊपर और कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसी को हम लोग बेटा जी, ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं, GLYCRL ग्लिसरॉल, या इसी को GLY ग्लिसरीन कहते हैं। यह एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, चूंकि इसमें OH ग्रुप कितना दिखाई दे रहा है, 3। इसका आयुपैक नेम भी आप लिख सकते हैं, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। कई बार बोर्ड एग्जाम में इसका आयुपैक नेम भी पूछा है। और यह साबुन में रहता है, सेविंग सोप में मौजूद रहता है, जो झाग को सूखने से भी रोकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है। तो अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमारा ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा अल्कोहल बनेगा। तो इथाइल अल्कोहल तो बनेगा ही नहीं, इथाइल अल्कोहल तो बनेगा ही नहीं,
ग्लिसरॉल बन रहा है तो ग्लिसरॉल टी मिथाइल अल्कोहल बनेगा नहीं, इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा नहीं। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा जी, ऊपर रिजेक्शन भी दे दिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है कि व्हाट इज सीएमसी वैल्यू ऑफ जनरल सोप, सामान्य साबुन का सीएमसी मान होगा, सीएमसी का मतलब होता है क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन। पहले आपको मिसल समझा दूं, विलियम तो आप जानते हैं जब भी साबुन और डिटर्जेंट को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो इसका एक विलियन बनता है, उस विलियन को आगे हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, वो कोलाइडी विलियन बनता है। तो पूछ रहा है कि उस विलियन में साबुन के कितने मोल, डिटर्जेंट के कितने मोल घुले होते हैं या उसके कण कितने मौजूद रहते हैं। साबुन में जब ही हम लोग पानी में साबुन या डिटर्जेंट को डाल के घोलते हैं उसके कण एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, उसी को मिसेल कहते हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि उसमें कितने इसके कण मौजूद होते हैं, मोलारिटी में आपको बताना है। तो आपको हम बताए थे, इस बात को याद भी रखिएगा कि साबुन के लिए सीएमसी वैल्यू जो होता है यह लगभग 10^-4 से 10^-3 मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर, या इसको कैपिटल एम मोलारिटी को डिनोट कर सकते। इसका मतलब हुआ कि 1/10,000 से लेकर 1/1,000 मोल पर लीटर उसकी मोलारिटी होती है, मतलब कि उसकी सांद्रण इतना होता है 10^-4 से लेकर 10^-3 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर विलियन में 10^-4 से 10^-3 मोल साबुन या डिटर्जेंट के कण उसमें घुले हुए हैं या इकट्ठा हैं या सटे हुए हैं। बात आप समझ गए होंगे, तो यह मान याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मान है। सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल हम लोग मिसेल कोलाइड सस्पेंशन का जिक्र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट सोप। तो आपको साबुन का प्रकार हम बताए थे कि साबुन दो प्रकार का होता है जनरली, एक सॉफ्ट सोप और एक होता है हार्ड सोप। देखिए क्षार के उपस्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण किए थे, जिस साबुन में KOH मौजूद हो उसको सॉफ्ट सोप कहते हैं, जिसमें NaOH मौजूद हो उसको हार्ड सोप कहा जाता है। तो क्षार देख लेना है, KOH यहां दिखाई दे रहा है, कास्टिक पोटाश इस पर टिक लगा देना, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि सोप डजंट वर्क प्रॉपरली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके निर्माण के कारण साबुन कठोर जल के साथ कार्य नहीं करता है। कठोर जल के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि वह जल जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, जैसे कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट एक लिमिट मात्रा से अधिक पाया जाता है तो वह कठोर जल कहलाता है। मुंह में लीजिएगा तो भारी लगेगा, स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, उसको गर्म कीजिएगा देखिए पानी के नीचे चूना के तरह बैठ जाएगा, वह हमारा क्या है, हार्ड वाटर है, कठोर जल, उसके साथ साबुन कार्य नहीं करता। तो आपको बताए थे जब ही यह कठोर जल के संपर्क में आता है उससे रिजेक्शन करके कैल्शियम या मैग्नीशियम के ही अघुलनशील लवण बना लेता है जो कपड़ों के छिद्रों में चिपक जाता है। आप इसको रिजेक्शन के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहां यही हमारा साबुन है C17H35COOH, यही हमारा साबुन है, और मान लिया कि कठोर जल में कैल्शियम क्लोराइड का लवण है, या कहा है फ्रॉम हार्ड वाटर, हम कठोर जल में यह पाया गया मान लिया जाए। अब देखो यह कैसे रिजेक्शन करता है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हम यहां 2 मोल ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा अब होता क्या है, यह ये भाई 2 मोल हम साबुन ले लेते हैं, 2 Na और 2 Cl को निकाल दो, -2 NaCl सोडियम क्लोराइड निकल गया और बाकी को जोड़ दो। यहां देखो C17H35COO का होल्ड 2 कर दो, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है, इसका नाम है कैल्शियम एस्टीरेट। यह क्या है, इनसोलेबल माने अघुलनशील साल्ट है जिसका निर्माण कर लेता है और यही कपड़ों के छिद्रों में चिपक जाता है जिससे सफाई में कठिनाई होती है। यदि हम मैग्नीशियम क्लोराइड लेते तो यहां बन जाता है मैग्नीशियम एस्टीरेट, इसी प्रकार सल्फेट लेते तो हम लोग क्या बना लेते,
उसी प्रकार रिजेक्शन कराकर कैल्शियम का साल्ट बना लेते हैं, मैग्नेशियम सल्फेट लेते हैं तो मैग्नेशियम का साल्ट बना लेते हैं। तो ऑप्शन देखिए कहा है इनसॉल्युबल साल्ट ऑफ कैल्शियम या मैग्नेशियम, तो हमारा यही आंसर करेक्ट होगा। फ्री फैटी एसिड नहीं होगा, हमारा बेस नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। एक और बात याद रखिएगा, यदि साबुन अम्लीय जल के संपर्क में आएगा तो फ्री फैटी एसिड का निर्माण कर लेगा। तो ये साबुन के दो लिमिटेशन हुए कि कठोर जल के साथ कार्य नहीं करता है और दूसरा अम्लीय जल के साथ कार्य नहीं करता। अम्लीय जल के साथ फ्री फैटी एसिड बना लेगा और कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नेशियम के अघुलनशील लवण का निर्माण कर लेता है। बात आप समझ चुके होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट। अब देखिए डिटर्जेंट के प्रकार आपको बताया था तीन होता है, कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक। तो देखिए जिस डिटर्जेंट का बड़ा पार्ट जो होता है कैटायनिक हो उसको हम लोग कैटायनिक डिटर्जेंट कहेंगे, और जिसका लार्ज पार्ट एनायनिक हो उसको एनायनिक डिटर्जेंट कहेंगे, और जिसमें कोई आयन ही नहीं हो उसको हम लोग कहेंगे नॉन आयनिक डिटर्जेंट। जनरली इसका प्रयोग डिश वॉश के तौर पर हम लोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन पर हम लोग गौर फरमाएंगे यहाँ। सी पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा, देखिए यह निगेटिव पार्ट और यह पॉजिटिव पार्ट, देख रहे हैं कि इसका लार्ज पार्ट हमारा धनायन है और छोटा वाला पार्ट ऋणायन है, लॉन्ग पार्ट कैटायनिक है, स्मॉल पार्ट एनायनिक है बेटा जी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका नाम भी आप पढ़े हैं सेटाइल, इस बड़े एल्काइल ग्रुप का नाम सेटाइल होगा। यहां तीन मिथाइल है तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल, सेटाइल, ट्राई मिथाइल, अमोनियम, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड, देख रहे हैं। याद रखिएगा कैटायनिक डिटर्जेंट में जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और यह अन्य डिटर्जेंट को तुलना में महंगा भी होता है। इसका प्रयोग हेयर कंडीशनर में भी किया जाता है। इस डिटर्जेंट पे हम देख रहे हैं तो यह पॉजिटिव पार्ट या निगेटिव पार्ट, इसका लार्ज पार्ट देख रहे हैं कि एनायनिक है तो यह एनायनिक डिटर्जेंट है, यही सोडियम ल्यूराइल सल्फेट है। यह तो हमारा सोप है, देखिए लंबी श्रृंखला वाला सोडियम लवण है तो ये तो होगा ही नहीं। ये देख रहे हैं कि यह पॉजिटिव पार्ट या निगेटिव पार्ट, लार्ज पार्ट हमारा एनायनिक है तो यह एनायनिक डिटर्जेंट होगा। तो हमारा आंसर ए होना चाहिए, सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो कुछ डिटर्जेंट का नाम फॉर्मूला सही याद होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जाते हैं। एक चीज और बता दूं हम आपको डिटर्जेंट से संबंधित, जिस डिटर्जेंट में यदि हाइड्रोकार्बन पार्ट सीधी श्रृंखला में जुड़ा हो वह बायोडिग्रेडेबल होता है, वह जल को प्रदूषित नहीं करेगा। और जिस डिटर्जेंट में ब्रांचिंग दिखाई दे, देख रहे हैं कि यहां ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है, तो जिस डिटर्जेंट में हाइड्रोकार्बन पार्ट में जितना ही अधिक ब्रांचिंग होगा वह उतना ही जल को प्रदूषित करेगा, अर्थात वह बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा। इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इन तथ्यों को आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेडिसिन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।